हेलो, अमेज़न किंडल के ऊपर ये दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने एक महीने तक क्या क्या किया, कैसे बुकें बेची और पब्लिक डोमेन बुक्स को मैंने कैसे बेचा, एनोटेट करके और पैसे बनाए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हम जाएंगे अपने अमेज़न किंडल पर। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है और लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है आपका अकाउंट। ये मेरी कुछ बुक्स हैं, बुक्स हैं जो आप देख रहे हो, द टेम्पेस्ट, ब्लीक हाउस और एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर। ये सब सारी पब्लिक डोमेन बुक्स हैं जिन्हों मैंने एनोटेट किया है। इनके प्राइस पर नज़र डालिए, $3। $3 से ज़्यादा हमने नहीं रखना है। हमको एक बुक के बिकने पर 35% कमीशन मिलती है। मान लीजिए $3 की अगर आप बुक रखते हैं तो उसमें से 35% आपको मिलेगा। चलिए तो अब देखते हैं मैंने कितनी बुकें डाली। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेज पर 10 बुकें हैं और 14 पेज हैं, 140 बुकें हैं। इनमें से कुछ बुक ब्लॉक भी हो गई हैं ऑब्वियस रीज़न के कारण, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है, ब्लॉक हो गई, कोई बात नहीं। अब हम रिपोर्ट्स पे देखेंगे, रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट लोड हो रही है, ये देखिए, ये मेरी रिपोर्ट है लगभग एक महीने की। मैंने 29 दिसंबर 2015 को ये शुरू किया था और आज 28 जनवरी 2016 है, तो लगभग एक महीना हो चुका है। अब हम देखेंगे कि कितने पैसे हमने बनाए। ये देखिए, amazon.com जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मार्केट प्लेस है, वहाँ $44 बना चुका हूँ मैं। ये देखिए आप, 44.44 USD, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। और यूके में भी मेरी मेरी बुकें बिकी हैं और 17.20 GBP बना चुका हूँ। GBP ब्रिटिश पाउंड है और वहाँ की करेंसी है, और ये यूरोज़ हैं, ये फ्रांस है, ये सब अलग अलग करेंसी हैं। तो आप देख सकते हैं कितने पैसे हैं। आप अपने अभी जो करेंसी का रेट चल रहा है डॉलर का, उससे कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कितने पैसे बना लिए। तो बुक कैसे ऐड करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने बुक शेल्फ पे जाके क्लिक कीजिए, ये आपकी खुल गई। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ही एक ऑप्शन है, क्रिएट अ न्यू टाइटल, बस आप इस पे क्लिक कर दें और एक पेज खुलेगा। वहाँ पर आप बुक की नाम, डिटेल वगैरह सब इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। देखिए सबसे स्टेप 1 क्या है, योर बुक। उसके बाद उसकी राइट्स क्या हैं, मतलब क्या आपको अधिकार है उस बुक को बेचने का, और उसका प्राइस आप कितना रखना चाहते हैं। ज़्यादा प्राइस ना रखें नहीं तो नहीं बिकेगी। चलिए ये फर्स्ट में है बुक नेम, बुक का नाम लिखिए, कौन क्या बुक का नाम है, सब टाइटल लिखिए, पब्लिशर, ये सब जो ज़रूरी नहीं है उसे आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि ज़रूरी क्या क्या है, सबसे पहले बुक का नाम ज़रूरी है और डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, बुक्स का ऑथर कौन थे उनका नाम, और पब्लिक डोमेन पर टिक करना ना भूलें क्योंकि ये हमारी बुकें पब्लिक डोमेन हैं। कैटेगरीज डाल सकते हैं आप बस, और यहाँ पर एक कवर अपलोड करें और बुक अपनी अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू कर दें, सिंपल। अब आप मुझसे बोलेंगे कि पब्लिक डोमेन बुक हम कहाँ से लाएं, तो मैं आपको बताऊँगा कि पब्लिक डोमेन बुक्स मिलती कहाँ है। चलिए तो हम नेक्स्ट टैब खोलते हैं और यहाँ लिखेंगे पब्लिक पब्लिक डोमेन बुक्स, एंटर। देखिए ये रहा सबसे पहला ऑप्शन, फीड बुक्स, इस पे जाके क्लिक कीजिए। यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक डोमेन बुक्स हैं, आप उठाइए और बेचिए, एडिट कीजिए, बेचिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। देख लें आप ये सारी मैंने भी यहीं से डाली हैं और आप देख सकते हैं कितना पैसा मैंने बना लिया है। तो अब मुझे लगता है आप जान गए हो कैसे क्या करना है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आई तो शेयर करना, शेयर करना आपका नुकसान नहीं होगा, आप भी पैसे बनाएं, दूसरे लोग भी पैसे बनाएं, शेयर करें वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तारा।